सीएम भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होने से पहले क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार के भेदभाव नहीं है। लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कुछ राजनीतिक गतिविधियाँ भी होंगी। सर पिछले दिनों में देखने को मिला कि 7.5 लाख से ज़्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के आप लोगों के द्वारा राज्यांश नहीं देने के कारण रद्द हो गए। ऐसे में बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग गरीबों का जो अधिकार है वो छीन रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे कि भारत सरकार अभी तक के जो सेंट्रल एक्साइज का जो हमारा हिस्सा है वो अभी तक नहीं दिया। जीएसटी में लगातार कटौती कर रहे हैं, ये लगभग 21-22 हज़ार करोड़ रुपया हो जाता है। और साथ ही जो कोयला में जो पेनाल्टी लगा है रॉयल्टी का, वो राशि 4,140 करोड़ का है, ये राशि हमको नहीं दे रहे हैं। और एक तरफ केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही है और दूसरे तरफ आरोप लगाती है कि हम पूरा नहीं कर रहे हैं। तो सर, प्रधानमंत्री के नाम से योजना है तो 60-40 क्यों, वो तो 90-10 होना चाहिए, 100% होना चाहिए प्रधानमंत्री के नाम से। प्रधानमंत्री आवास योजना है, पहले तो इंदिरा आवास था, उसको नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास हो गया, उसमें भी अब 60-40 का रेशियो, तो पूरा देना है। अब हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं बनाएंगे, हमारे पास जैसे राशि होगी हम फिर से वो राशि जमा करेंगे और गरीबों को मकान बनाएंगे। तो लखनऊ रवाना होने से पहले वो पत्रकारों से बात कर रहे थे। आपको बता दें, यूपी के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं सीएम भूपेश बघेल।